खनिया थाना थाना प्रभारी इन दिनों सिंघम मोड में नजर आ रहे हैं। चोरी व अवैध मादक पदार्थ के कारोबार पर लगातार कार्रवाई करने के साथ ही आज पुलिस ने एक क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर भी शिकंजा कसते हुए मोटरसाइकिल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी के वाहन बेचने की फिराक में गुदार रोड पर घूम रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त व्यक्ति को धर दबोचा और उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए और आरोपी के कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। 3 आरोपियों से कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जिनकी बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपये आंकी गई है। दिनांक 4/11/24 को बाजद अली मुसलमान है खनिया थाना के, उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था चोरी का। तो कल एक मुखर से सूचना प्राप्त हुई कि गुड़ रोड पर दीपेश साहू जो पुराना चोर है मोटरसाइकिल चोर है वो एक मोटरसाइकिल लिए बेचने के लिए खड़ा है। उक्त सूचना पर से उसको पकड़ा गया। उसके कब्जे से दाऊद की जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी बरामद की गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि हमने इसके अतिरिक्त 8 मोटरसाइकिल और चोरी की, कुल 9 मोटरसाइकिल चोरी की हैं। 8 मोटरसाइकिल में थे एक गोलू जाटव, एक राजेंद्र जाटव जो बामर कुर्द के उनको बेची थी, और बाकी 6 मोटरसाइकिल हमारे खेत पर रखी हैं। उसकी सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को, राजेंद्र जाटव गोलू जाटव को, गिरफ्तार किया गया है और 9 मोटरसाइकिल बरामद